गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मानव स्वास्थ्य और रोग के क्रम में हमने पिछले लेक्चर में एड्स और कैंसर जैसे खतरनाक बीमारियों के बारे में स्टडी किया। आज हम देखते हैं ड्रग और एल्कोहल कुप्रयोग क्या होता है, ड्रग्स एंड एल्कोहल एब्यूज। सर्वेक्षणों और आंकड़ों से पता चला है कि ड्रग और एल्कोहल का उपयोग विशेष रूप से नवयुवकों में आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। एक्चुअली में ये जो ड्रग्स है या एल्कोहल है वो पहले मेडिसिनल यूज के लिए उपयोग में लाया जाता था, दवाइयों के रूप में इसमें इसको उपयोग किया जाता था। लेकिन ये एक ऐसी चीज है, ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे मन मस्तिष्क को कंट्रोल कर लेता है। ये एक प्रकार से थकान मिटाने वाला और बीमारियों से निजात देने वाला, बॉडी को रेस्ट पहुंचाने वाला चीज होता है। लेकिन लोग इसका दुरुपयोग करने लगे हैं और आजकल नवयुवकों में ये उपयोग जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ये एक चिंता का विषय है क्योंकि इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस, दुष्परिणाम होते हैं। समुचित शिक्षा एवं मार्गदर्शन से नवयुवक इन खतरनाक आदतों से अपने आप को बचा पाएंगे और स्वस्थ जीवन की शैली अपना पाएंगे। जनरली जो ड्रग का कुप्रयोग है वो किया जाता है ओपियोइड्स, कैरोविनाइड्स और कोका एल्कोहलाइड्स, ये सभी पुष्पी पादप और कवकों से प्राप्त होने वाले ड्रग्स हैं, एल्कोहल हैं, इनका उपयोग जो है वो ज्यादातर किया जाता है। ओपियाइड्स केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में उपस्थित अपने रिसेप्टर्स से बन जाते हैं और इसमें क्या हेरोइन डाईएसिटिल मार्फिन है, ये सफेद और गंधहीन होता है। ये मार्फिन के एस्टिलीकरण से प्राप्त होता है जो कि पोस्ता के पौधे पेपेवर सेमनीफेरस के लेटेक्स के निष्कर्षण के द्वारा प्राप्त किया जाता है। हेरोइन एक अलग प्रकार का ड्रग्स है जिसको नाक के द्वारा जोर जोर से सांस लेकर खींचा जाता है और ये एक विशेष डिप्रेसेंट है और शरीर के प्रकारियों को स्लो कर देता है, धीमा कर देता है। कैनेबिनाइड्स में अनेक प्रकार के रसायन होते हैं, ये हमारे मस्तिष्क में मौजूद ग्राहियों से विभिन्न प्रकार की क्रिया करवाता है, उल्टा सीधा जो हरकतें करते हैं नशे की हालत में लोग। ये प्राकृतिक कैनेबिनाइड्स जो है वो कैनेबिस सेटाइवा पौधे के पुष्पक्रम या इन्फ्लोरेसेंस से प्राप्त किए जाते हैं। भांग के फूल के शीर्ष, पत्ती और रेसिन में भी ये मिलता है। इनके विभिन्न संयोजन से मैरिजुआना, हशीश, चरस और गांजा बनते हैं। जनरली ये अंतः श्वसन और मुंह के द्वारा इसको खाया जाता है, सांस के द्वारा इसको खींचा जाता है या फिर मुंह से भी इसको खाया जाता है। इन ड्रग्स को खाने से शरीर का जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है ना, हमारा जो हार्ट का कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है ये प्रभावित होता है। कोकीन को कोका एल्कलाइड भी कहा जाता है, ये पादप इरिथ्रोजाइलम कोका से प्राप्त किया जाता है जो कि मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका का पौधा है और वहां से इसको लाया गया है। ये न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन पर प्रभाव डालता है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है उस पर प्रभाव डालता है। इसे कोक कहते हैं और जोर से सांस के द्वारा इसको अंदर खींचकर लिया जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को ये स्टिमुलेट करके ऊर्जा में वृद्धि करता है, तो जैसे ज्यादा काम करके थक गए या थकान आ रही है तो इसको लेने से बॉडी के अंदर ऊर्जा मिलती है। इसके अधिक मात्रा में प्रयोग से हेलुसिनेशन, विभ्रम, क्या कहना चाहिए उसको, गलत फहमी, जैसे कोई चीज को यानी दिखना, जैसे मृग मरीज का दिखता है ना, वैसी इंसान जो इमेजिनेशन करता है वो उसको दिखने लगता है। एट्रोपा, बेलाडोना और धतुरा से भी ऐसे ही होता है, जो नर्वस सिस्टम है इसको स्टिमुलेट कर देता है। और आजकल कुछ खिलाड़ी भी कैनेबिनाइड का दुरुपयोग करते हैं। इसके अलावा बर्बिट्यूरेट, एन्फेटेमिन, बेंजोडाइजेपिन, लाइसर्जिक अम्ल, डाइएथिलेमाइड्स, ALSD, ये भी विभिन्न प्रकार के रोगियों जैसे डिप्रेशन, मानसिक बीमारी की औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है और इसका भी कुप्रभाव होता है। मार्फिन का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, ये बहुत ही प्रभावी शामक या सेडेटिव और पीड़ाहारी है। जिन रोगियों की सर्जरी होती है उनको पीड़ा कम हो
पीड़ा से जल्दी निजात हो, इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। विभ्रमी गुण वाले अनेक पौधे, फल, बीज का विश्व भर में लोक औषधि, धार्मिक उत्सव और अनुष्ठान में सैकड़ों वर्ष से उपयोग होता आ रहा है। आप लोग जानते हैं कि जैसे धतूरा का फूल और फल जो है वो पूजा वगैरह में चढ़ाया जाता है, इसी प्रकार और भी बहुत सारे पौधे हैं, पादप हैं, है ना, इसको धार्मिक उत्सव वगैरह में, अनुष्ठान वगैरह में उपयोग किया जाता है। इसका कारण यही है कि जहां पर ये एक तरफ से बहुत उपयोगी है तो इसका अगर ज्यादा मात्रा में सेवन किया जाए तो ये हमारे लिए दुरुपयोगी बन जाता है, हमारे बॉडी के लिए नुकसानदायक बन जाता है। जब ये औषधि चिकित्सा के बजाय दूसरे उद्देश्य से लिया जाता है या इतनी ज्यादा मात्रा में बार बार लिया जाता है तो व्यक्ति के शारीरिक, कायिक और मनोवैज्ञानिक प्रकारियों को ये गड़बड़ा देता है, तब ये ड्रग का कुप्रयोग बन जाता है। तंबाकू का सेवन मनुष्य जो है वो 400 वर्षों से भी अधिक समय से करता चले आ रहा है। तंबाकू को पिया जाता है बीड़ी सिगरेट के रूप में, या फिर चबाया जाता है ऐसे ही, या फिर सूंघा जाता है। तंबाकू में विभिन्न प्रकार के रसायन के साथ निकोटीन भी मौजूद होता है जो एड्रिनल ग्लैंड को उद्दीपित कर देता है, जिससे एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन रुधिर में मुक्त कर दिया जाता है और इससे रक्तचाप और हृदय स्पंदन बढ़ जाता है। धूम्रपान से हमारे फेफड़ों में, यूरिनरी ब्लैडर में, गले में कैंसर हो जाता है, ब्रोंकाइटिस, हृदय रोग, गैस्ट्रिक अल्सर, ये अनेक प्रकार की बीमारी हमारे बॉडी में हो जाती है। तंबाकू को चबाने से मुख गुहा का कैंसर होता है। धूम्रपान करने से रुधिर में, ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कि हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बंध नहीं बना पाता, ऑक्सीजन की बंध की सांद्रता घट जाती है, इससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। धूम्रपान और तंबाकू चबाना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है, इसलिए युवा और वृद्ध दोनों को ही, मतलब हर इंसान को इस व्यसन से, इस गलत आदत से बचना चाहिए। इन गलत आदतों से छुटकारा पाने के लिए मेडिसिनल सलाह लिया जा सकता है और उनकी सहायता ली जा सकती है, है ना, और इस प्रकार इस बुरी आदत को अपने से दूर ही रखना चाहिए। अगर हो गया है तो उससे अपने आप को बचाने की कोशिश करना चाहिए। जब व्यक्ति सिगरेट या तंबाकू का पैकेट खरीदता है तो वो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इन पैकेटों में लिखा रहता है, छपा रहता है, वैधानिक या कानूनी चेतावनी दिया रहता है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो उस पर नजर ना पड़े ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन उसके बावजूद भी लोग इसका सेवन करते हैं, है ना, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा रहता है कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार हानिकारक है। आजकल युवा और वृद्ध दोनों में ही धूम्रपान का खूब चलन बढ़ रहा है और इसका लत पड़ने से दोनों को ही जो है वो खतरा है। तो हमको हालांकि इसका उत्पादन ही नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि इसके उत्पादन को रोका जा सके, लेकिन ये व्यक्ति के पर्टिकुलर खुद के सेल्फ कंट्रोल की बात होती है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, इसको हम डिसाइड करें और हमारे लिए जो अच्छी चीजें हैं उसको हम अपने जीवन में अपनाएं, उसको फॉलो करें, और हमारे लिए जो बुरी चीजें हैं उनको हम त्याग करें।